तुम हमें जीने नहीं दोगे का करे, तुम दोनों का काट के फेंक देगा। सारा जीवन ताना सुनते आए हैं और ब्याह के बाद भी ताना शुरू हो गया। खाली जगह बदला, लोग तो वही, सोच भी वही है। का करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुरारी भैया, एक बात बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे ना ना जग्गा भैया, बोलो ना क्या बात है। हमको ऐसा लगता है ये जो मटकनी भाभी है ब्याह से पहले खूब पिलवाई है। का बोल रहा है वे माता चोद? साले हमारी मेहरारू के बारे में अगर कुछ बोला ना तो एक खटिया उठा के तुम्हारी गांड में घुसेड़ देंगे भोसड़ी के। मुरारी भाई, जग्गा भाई एकदम सही बोल रहे हैं। मटकनी भाभी के मटके देख देख के ऐसा लगता है जैसे भाभी 50 केले खा चुकी है। हमें तो कोई गिनती ही नहीं। साले नहीं तो पता नहीं क्या क्या बातें करते। अरे अरे बैठो। साले बैठेंगे नहीं आज के बाद तुम्हारे साथ। अरे साले दोनों पंचो पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। कुछ भी कहो किलबिल भाई, ये मटकनी के मटके का पानी पीने का मजा बहुत ही आएगा। डायरेक्ट मुंह से लगा के कुछ कुछ। अच्छा तो ये राज है उस मटकनी के मटके का। इसका काम पर कम हमारे मटके पर नजर ज्यादा ही रहता है, पता नहीं कहाँ देखती रहती है। अच्छा भाभी एक बात पूछे आपसे, सच सच बताएंगे? हाँ हाँ पूछो, काहे ना ही बताएंगे। अगर भाभी कहीं गलत समझकर भैया को बता दिया तो? का हुआ, का सोचने लगी? पूछो का पूछ रही थी। आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना भाभी, मेरा मतलब है भैया आपको खुश तो रखते है ना? अरे तुम्हारे भैया हमें बहुत खुश रखते है, पर समझ नहीं आ रहा है अभी तक वो आए क्यों नहीं। अरे भाभी, भैया अपने दोस्त लोग के साथ बैठे होंगे, गपशप लड़ा रहे होंगे, आ जाएंगे। ठीक है। ई लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या हुआ, मन नहीं है क्या खाना खाने का? तुम्हारा ये मटका ढाई ढाई शेर का कैसे हुआ रे? दर्द दे रहा हमें, हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक गिरधारी भैया ये देखो। अरे मुनि भैया, अगर बुढ़ापे में देसी मटके का पानी पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए रे। हाँ भैया, ये पूरे जिला जवान में ये अकलौती देसी मटका है और पीने वाले हजारों। अच्छा जी तो हम पिला देते हैं पानी, बुलाएं अभी मुरारी भैया को। और गिरधारी चाचा आप बुलाए चाची को, अपना काम करिए। अरे हम तो आपस में बात कर रहे हैं। भाभी चलो जल्दी से पानी भरते। आइए भाभी इधर। भाभी आप पानी भरिए, हम मुनिया के वहाँ से होकर आते हैं। ठीक है, पर जल्दी आना। अच्छा भाभी आपसे एक तो बात पूछे। हाँ। आप जब से सोके उठी है आप परेशान सी दिख रही है, भैया कुछ कह दिए का? नहीं लुलिया, तुम्हारे भैया तो बहुत अच्छे हैं। ये लंगूर तो मुनिया का बाजा बजा के बहुत ही उछल रहा है। अरे कहाँ सोचने लगे लुलिया। अरे कुछ नहीं भाभी, आप पूछिए ना क्या पूछना है। अच्छा हम ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे भैया कोनो नशापाती करते हैं का?
वो कभी कभार करते हैं। वो उनके दोस्त लोग हैं ना, बस उनके साथ ही कभी कभार खा पी लेते। ठीक है भाई, मटकनी को छोड़ दे का। अब आ गए ना लाइन पर, कल तो हमको मारने के लिए उठ गए थे। हाँ, बचपन के दोस्त पे तुमको यकीन नहीं था। अरे यार, गलती हो गई, माफ कर दो ना। देखो भाई, जूठा आम खाना है तो चाट सकते हो, नहीं तो साला चूस लो। देख मुरारी भाई, मटकनी भाभी देखने में एक नंबर है, पर 50 गो गेला खाकर बैठी है। तुम्हारी जगह हम होते तो कब का छोड़ दिए होते। तो केस वेस तो नहीं ना करेगी? अरे भाई, डरते काहे हो। अरे उल्टा तुम उसके ऊपर केस करो कि मटकनी के मटके ढाई ढाई सिर के हुए कैसे। हाँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। हाँ, है? सोचते हैं। भाभी कहाँ है? भाभी पिछवाड़े गई है, काम कर रही है कुछ। लुलिया सुन ना। क्या हुआ? हमें ना मटका बड़ा करने का उपाय मिल गया है। और आज ही सुबह से तुम उसका उपाय लेने भी लगी हो। अरे तुम्हें कैसे पता कि आज हम सुबह से ठुक रहे थे? अच्छा, हमारा मटका जरा जोर से दबाओ ना। तू बहुत नटखट हो गई है। अच्छा सुनना। हाँ? हमें पता चल गया है कि मटकनी भाभी जैसा मटका हमारा कैसे बड़ा बड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ हर रोज मोटा मोटा अपने अंदर लेना है। अच्छा। हाँ, तुमको ये सब कैसे पता? काहे कि मटकनी भाभी ब्याह से पहले 50-50 लोगों का रस अपने अंदर डलवाई है। का? हाँ। सही बोल रही हूँ। मटका अगर बड़ा ना हो ना तो कॉन्फिडेंस लेवल ही कम हो जाता है। अरे आज हम ना सुबह सुबह भिटना से बजवा के आए हैं, लेकिन उस भिटना के बच्चे को अच्छे से बजाना आता ही नहीं है। अच्छा तुम रुको, हम कुछ ढूंढते हैं। अरे लूलिया, का जमाना आ गया है, हम यहाँ देने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ जुगाड़ करो ना लूलिया, का करे। अच्छा चलो, हम कुछ करते हैं, आओ। चलो बताइए, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, वो... अरे बताइए, साफ साफ बताइए क्या समस्या है, और तुम बताओगी नहीं तो हम इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब, वो हमें ना कम करना है। क्या कम करना है? वो डॉक्टर साहब, हमारा जो मटका है ना, वो ढाई ढाई सेर का हो गया है, हमें इसको कम करना है। अच्छा, तो अब समझे हम। चलिए ठीक है, हम कम कर देंगे। आइए हम चेकअप करते हैं। चलिए। एक काम करिए, ब्लाउज उतारिए और बिरा पे आ जाइए। वैसे है ना, ये मटका है ना, आप पे बहुत सूट करता है। लोग हमारे यहाँ मटका बढ़ाने की दवाई लेने आते हैं, और आप हैं के कम करवाना चाहती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हमारी मटका है ना आफत बन गया है, बस इसे कम करवा दो। अरे बाप रे, ऐसा मटका तो हम पहली बार देख रहे हैं। क्या मटका है गजब का, मन तो कर रहा है कि हम मुंह से लगा लें। Oh.
हाँ? अरे का हुआ, चूसने दो ना, कम करवाना है कि नहीं? चुसवा के ना कुछ नहीं होने वाला है, हमें सब समझ में आता है। यही हमने मास्टर जी से भी चुसवाया था, उसे कुछ कम वम नहीं होता है और उल्टा उससे बढ़ जाता है। अरे मास्टर और डॉक्टर में फर्क होता है, डॉक्टर है ना टेक्निक से चूसता है और मास्टर हवस से। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं चुसवाएंगे, हमें सब पता है चुसवाने से कुछ कम नहीं होगा। हम जाते हैं, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं चुसवाएंगे, वो हम खुद करवा लेंगे, रहने दो। अरे अरे सुनिए तो। अरे बाप रे क्या मटका था, चूसते चूसते ही रह गए। अरे ई का लुलिया, तुम तो हमरे घर वापस ले आई हमको। तुमको पता है तुम्हारा घर की ये जो छोटी सी सड़क है ना, यही से हमको मंजिल मिलेगी अपना। मतलब तुम्हारा का कहने का मतलब है कि हम किसी से भी डलवा ले? हाँ किसी से डलवा लेंगे, का मतलब है? डालेगा तो केला ही ना। हम नहीं बोलेंगे किसी को कुछ, तुम्हें जो करना है करो। अच्छा अगर मटका बड़ा करना है तो मुफ्त में तो बांटना ही पड़ेगा, वरना हिलाते रहना अपना छोटे छोटे मटका। बात सही कह रही हो। रे ये तो मुरारी भैया का दोस्त है। नहीं इसे नहीं, अभी तो बड़ा बोल रही थी। अब हुआ नहीं? अरे किलबिल भैया कहाँ से आ रहे हैं अभी? थोड़ी देर सुस्ता लीजिए यहाँ, फिर चले जाइएगा। बारिश बहुत हो रही है। मटकनी भाभी कैसी हैं? और मुरारी भैया आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भैया तो दुकान पर है और भाभी घर पर। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है भैया। अरे भैया हमरा ना साइंस बहुत ही कमजोर है, आप हमारी मदद करिए। सुना है आप बहुत टॉपर हैं अपने स्कूल में। अभी नहीं शाम को। ठीक है चलो ठीक है हम चलते हैं। अरे तुम तो अपना जुगाड़ कर लिए, अब हम का करें? अरे का करें, किलबिल भैया तुम्हारे भैया के दोस्त हैं, हमरे तो कुछ नहीं लगते है ना, तो हम तो अपना जुगाड़ कर लिए। हाँ तुम तो सही बोल रही हो। अरे कहाँ ले जा रहे हो लुलिया हमें? अरे चलो तो सही, आओ बैठो यहाँ। अरे तुम कहाँ ले आए हो लुलिया हमें? हमको ना तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? वो क्या है ना, हमको अपना मटका बड़ा करना है, एकदम मटकनी भाभी जैसे बड़े बड़े। क्या बात कर रहे हो, हम तो कब से चाह रहे थे, तुम्हारे भाई के दोस्त है ना, नहीं तो कब का बड़ा कर देते हम। भाई के दोस्त हो ना, भाई तो नहीं हो ना, अब कर दो ना बड़ा, अब तो पता चल गया ना। सच में? Download the Rabbit app and subscribe now.